दोस्तों, कल रात लास्ट वनडे में शुभमन गिल की बैटिंग को देखकर शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के बीच प्यार को सचिन तेंदुलकर ने मंजूरी दे दिया है। अब शुभमन गिल बनेंगे सचिन तेंदुलकर के दामाद, तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे हमको इस वीडियो में। लेकिन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी शुभमन गिल को एक अच्छा प्लेयर मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के प्यार को सारा जगत जानता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये काफ़ी सुर्खियों में भी बने रहते हैं। सोशल मीडिया में इनकी अपडेट्स काफ़ी वायरल भी होती हैं। लेकिन इनके प्यार में बीच खड़े थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन कल रात शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखते हुए सचिन तेंदुलकर ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बीती रात शुभमन गिल ने 98 गेंदों में 98 रन बनाकर वेस्टइंडीज़ को एक तरफा मैच हरा दिया है। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए शुभमन गिल को सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी तारीफ भी की है, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर का मानना है कि सारा के लिए अगर कोई सबसे बढ़िया हम सफ़र बन सकता है तो वह हैं शुभमन गिल, क्योंकि इस खिलाड़ी में काबिलियत है और ये काफ़ी आगे तक भी जा सकता है। उन्होंने आगे ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल प्यार के बाद अब शादी के बंधन में जल्दी से बंध जाए, क्योंकि दोस्तों ये सब दुनिया को और भारत में तो इनका पता ही है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये कपल सोशल मीडिया में भी काफ़ी फेमस भी है। सचिन तेंदुलकर के मानने से शुभमन गिल का भी हौसला बढ़ गया है और साथ फैंस का हौसला भी बढ़ गया है और फैंस उनको काफ़ी बधाइयाँ भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।